अपनी आरज़ू है, दुनिया में हर आदमी की आस है जिंदगी की, एक किरण रोशनी की। साइंस ही चाहती है, लेकिन आजकल के जमाने में बिना डोनेशन के तो पत्ता नहीं हिलता बहन जी। डोनेशन तो उन्हें देना पड़ेगा जिनके नंबर कम है, इसके तो 90% है। बच्ची को डॉक्टर भी बनाना है और पैसे भी खर्च नहीं करने। मेरी समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ टैलेंट के बल पे हायर एजुकेशन नहीं ले सकते, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर नहीं बन सकते। सबके लिए डोनेशन चाहिए। दीदी तो डोनेशन के बारे में इतनी कैजुअली बात कर रही थी जैसे कोई नॉर्मल सी बात हो। क्या वाकई ही रिश्वत लेना देना समाज में एक रिवाज बन गया है? क्या आज हमारे यहाँ भ्रष्टाचार को शिष्टाचार मान लिया गया है? क्या गांधी जी के अपरिग्रह और संतोष धन का कोई मूल्य नहीं रहा? मुझे लगता है किसी ना किसी को भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा रहना ही पड़ेगा। मैं रहूं। मॉर्निंग माँ। अरे तू तो तैयार भी हो गई, मुझे क्यों नहीं उठाया? अरे माँ, एक तो वैसे ही आपको नींद नहीं मिलती, ऊपर से मैं उसमें भी उठा देती। अब मुझे तो फॉर्म लेना था इसलिए मैं सुबह उठ गई, पर आप तो रोज ही सुबह उठती है ना। बाहर से दूध ले लिया? जी ले लिया। कुछ खाया कि नहीं? सब कुछ खा लिया। माँ मेरी इतनी फिक्र क्यों करती है? आप टेंशन मत लो, अब मैं बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई हूँ। अच्छा बाबा अच्छा, मुझे पता है तुम बड़ी हो गई हो, अब तो कॉलेज भी जाने लगोगी। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ के लिए बच्चे ही होते हैं। उन्ना आ रहा ना तुझे लेने के लिए? हाँ बस आता ही होगा। बेटा तू कहे तो मैं तेरे साथ चलूं, मेरा मन नहीं मान रहा है। अब मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। माँ परेशान हो जाओगी, वहाँ बहुत देर होगी, एक तो आपको वैसे ही आराम नहीं मिलता और मैं आपको धूप में लाइन में खड़ा कर दूँ। नहीं माँ, और वैसे भी मेरे साथ मुन्ना, सीमा और सीमा की मम्मी भी तो है, चिंता क्यों करती हो? ठीक है बेटा, अगर लाइन में खड़े खड़े थक गई ना तो मुन्ना को लाइन में लगा देना। ठीक है माँ। अच्छा तुम जाओ, मैं नहाकर पूजा करूंगी। मैडम इतनी सुबह सुबह तैयार होकर कहाँ चली? मंदिर की पहली आरती लेने जा रही हो? दीदी मजाक मत कीजिए, आपको मालूम है ना मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म लेने। तुझे क्या लगता है ऐसे सुबह सुबह जाने से फॉर्म मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा?
मैडम जब जाओगी ना तब पता चल जाएगा। वैसे कभी तूने मंगलवार को सिद्धि विनायक मंदिर में लगने वाली लाइन देखी है? उससे भी लंबी लाइन होगी, सोच ले। मेरा कहना मानो, जाके सो जाओ। मैं पियोन को पैसे देके फॉर्म मंगवा लूंगी, फॉर्म घर बैठे आ जाएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसा फॉर्म जो रिश्वत देकर मंगवाया जाए। मर्जी मैडम की, मेरा फर्ज था समझाना तो समझा दिया, आगे तेरी मर्जी। मैं चली सोने, बाय। रोशनी, ऑल द बेस्ट। अल्लाह, इतनी लंबी लाइन। अपन को लगता है अपन कोई गलत जगह आ गए। अरे ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्टेडियम है और यहाँ लोग मैच देखने के लिए लाइन लगा के खड़े ले। रोशनी तेरे को ना फॉर्म अगले साल ही मिलेगा। मुन्ना तू तो कुछ भी बोलता है। अरे लाइन तो लंबी होगी, आज कॉलेज के नए एडमिशन थे। थर्सडे के दिन कोई नई मूवी रिलीज नहीं हो रही कि लाइन ना हो। मुन्ना तू ठीक कह रहा है, जिस हिसाब से लाइन है ना, मुझे भी इन लोगों का नंबर आता दिखाई नहीं देता। फिर माँ नंबर तो तब आएगा जब हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। चल रोशनी फटाफट से खड़े हो जाते हैं यार, वरना तो ये लाइन महंगाई की तरह बढ़ती ही जाएगी। मुन्ना तू जा, तू क्यों चल रहा हमारे साथ, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे। ऐसे कैसे खड़े हो जाएंगे? अरे इतनी लंबी लाइन है, अगर कुछ लोचा लफड़ा हुआ तो कोई ना कोई तो होना चाहिए ना तुम लोग के साथ। और तुम लोग आंटी का सोचो यार, आंटी अगर थक जाएंगी तो अपने ऑटो में रेस्ट कर सकती है। फिर मुन्ना तू क्यों अपना नुकसान कर रहा है, मेरे मालिक आज का भाड़ा छोड़ेंगे क्या? नहीं ना, तो फिर तुम जा, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, जा मुन्ना। अच्छा ठीक है, अपन तेरी बात मान ले, लेकिन सुन अपन ना फटाफट इधर के छोटे मोटे भाड़े फटाफट निपटा के आ जाएगा, ठीक है? तू इधर ही रुकना, और सुन जब तक तुम लोग इधर है ना, ध्यान तो इधर ही सोएगा ना। मुन्ना चल अभी अपन चलते हैं, जा लाइन में लग जा, चल मिलते हैं। तो पांव टूट गए, मेरा गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है, पानी पीना है मुझे। अब जी आंटी मैं अभी पानी लेके आती हूँ। सीमा मम्मी का ध्यान रखना। हाँ अच्छा ठीक। अरे अपन लेके आगे लाए। किरण रोशनी। अरे अपन लेके आगे लाए।
तुम लोग के वास्ते पानी और नाश्ते का बंदोबस्त किया है। अपन को पता था तुम लोग लाइन में इतनी देर खड़े रहोगे भूखे प्यासे, तो तुम लोग की तो फाट लग जाएगी, इसलिए अपन खाने का बंदोबस्त करके लेके आया है। तुमने ठीक सोचा, बिल्कुल ठीक सोचा बेटा। अरे मेरी तो हालत इतनी बिगड़ गई थी कि अगर तू थोड़ी देर पानी और नहीं मुझे पिलाता तो मैं तो यहाँ की यहाँ ही गिर जाती। अरे इस समय तो ये पानी मुझे अमृत से कम नहीं लग रहा। अरे कैसे नहीं लगेगा आंटी, ये एकदम चिंड्रिल वाटर है, चिंड्रिल वाटर। चिंड्रिल वाटर नहीं मुन्ना, मिनरल वाटर। हाँ हाँ वही वही। तू क्या देख रही है, चल तू भी पानी पी ले, नहीं तो गर्मी से ना तू टबक जाएगी। हाँ ये लो पी लो बच्चों। अरे आज मुन्ना ने तो हमारे प्राण ही बचा ली। आंटी अपन तो पहले से ही बोले ला था ना कि अपुन की जरूरत ज्यादा इधर है, लेकिन अपुन की सुनता कौन है? अपुन तो येड़ा है ना, येड़ा। क्यों गुस्सा होता है मुन्ना? मैं तो इसलिए कह रही थी कि तेरा नुकसान ना हो। अरे एक दिन ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा तो उसका कितना नुकसान हो जाएगा, जरा सोच। आज मुन्ना नहीं होता तो मेरा तो यमराज के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया होता। अरे आंटी ऐसा मत बोलो, क्या बोल रहे आप, छुप छुप बोलो। अच्छा अभी आप लोग सब ना आराम से जाके मेरी ऑटो में बैठो, लाइन में अपन खड़ा होएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं मुन्ना हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लाइन में खड़े हो जाएंगे, तू टेंशन लेना बंद कर। अरे नहीं नहीं मुन्ना ठीक कह रहा है, मैं इसके ऑटो रिक्शा में जाकर लंबी पड़ जाती हूँ। चल सीमा तू भी चल, आराम कर ले। ऐसा ना हो कि फॉर्म मिलने से पहले तू भी प्लेटफॉर्म पर गिर जा। मम्मा सभी लोग चले जाएंगे तो रोशनी अकेली कैसे खड़ी रहेगी? अरे रोशनी अकेले कहाँ है, मुन्ना है ना इसके साथ। और वैसे भी ये तो बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग है, इसे कोई दिक्कत नहीं होगी, चल तू मेरे साथ। चल बेटा चल रिक्शा में आराम करते हैं, जरा सोच मत। ओह थैंक यू बेटा, आजा बेटा आजा। लाइन आगे बढ़ने वाली है कि नहीं? थैली में क्या खाने पीने का सामान, समोसा वगैरह निकाल ना खाए। पानी पानी लीजिए। प्यारी बहना कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दीदी। वो तो दिख ही रही है, क्या कहा था मैंने कि ऐसे फॉर्म नहीं मिलता। तुझे जब घर बैठे फॉर्म मिल रहा था तो क्या प्रॉब्लम थी? फ्री की विटामिन डी खानी है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? खाओ खाओ अच्छे से खाओ, ना ये धूप कम होगी ना ये लाइन। दृष्टि दीदी आप हमेशा रोशनी की फिरकी का को लेते, आपको क्राउड होना चाहिए कि आप इसकी बहन हो। मुन्ना क्राउड नहीं प्राउड। हाँ वैच 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 के बच्चे, जब तक तू इसका चम्मच था तब तक ठीक था, लेकिन अब तू धीरे धीरे ना इसकी कड़छी बनता जा रहा है। कड़छी? मैं समझा नहीं। समझेगा कैसे, जब अक्कल बढ़ रही थी तब तू छन्नी लेके गया था
और तेरे पीछे थी ये रोशनी। एक किरण रोशनी की। कम से कम तुम सीमा की मॉम का तो सोचो। कितनी धूप है यहाँ, अच्छे अच्छे खर्च हो जाते। अगर तेरा ऑटो ना होता ना मुन्ना, तो आंटी ना अभी यहाँ जमीन पर लेटी होती। थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम लोगों की चीप भी बाहर आ जाएगी। आप यहाँ क्या करने आए? इतना भी नहीं समझती? मैं तुम लोगों की मूर्खता का एहसास दिलाने आई हूँ। मेरे कहने पे चलती तो फायदे में रहती। रिश्वत की ताकत उन्हें लुभाती है जिन्हें सच्चाई की ताकत का अंदाजा नहीं होता। घंटा दो घंटा और रुक जा, सब अंदाजा हो जाएगा जब सारे फॉर्म खत्म हो जाएंगे, तब तुझे मेरी याद आएगी। ठीक है, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ जाइए जाइए, बाय। ये पूरी घंटा दो घंटा वेट करना पड़ेगा, फॉर्म भी मिलेगा कि नहीं? नमस्ते आंटी। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। दिख रहा है ना बेटा, कितनी तेज धूप है और इतनी लंबी लाइन। अरे समझ, ये रिक्शा ना होता ना तो मेरी टिकट तो कट गई होती। तो आंटी आपको किसने कहा था इस तरह इतनी लंबी लाइन में लगने के लिए? मालूम है, मैंने तो रोशनी को पहले ही कहा था कि मैं तेरा फॉर्म घर पर मंगवा लेती हूँ, पर मालूम है उसने मेरी एक ना सुनी। अरे उसको तेरी सुननी चाहिए थी ना, वैसे भी तू बड़ी है और बड़ी की बात तो सुननी चाहिए ना। अगर तूने मुझे कहा होता ना कि आंटी फॉर्म ला देती है तो मैं फॉर्म तुझसे मंगवा लेती, यहाँ आने का झंझट ही मोल नहीं लेती मैं। कोई बात नहीं आंटी, अब आप जब आ ही गए हो तो 5-6 घंटे में नंबर आ ही जाएगा। क्या कह रही हो, 5-6 घंटे और? मम्मी, अरे ये तो मैं खींच कर बता रही थी ताकि आप परेशान ना हो। कितने लेट हो रहा है? तुम चलो, मैं आती हूँ। अच्छा आंटी मैं चलती हूँ, मुझे लेक्चर के लिए लेट हो रहा है। सीमा, मम्मा का ख्याल रखना, ओके बाय। चली चली लाइन। ये हो क्या रहा है बाप? इधर अपन लाइन में सड़ रहे और वो लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल के वीआईपी दर्शन के अंदर खिसकते जा रहे। ये चक्कर क्या रोशनी? क्या पता, शायद इन्हें प्रिंसिपल से कुछ काम हो। क्यों सीमा? इसीलिए तो ऐसे सीधे सीधे अंदर चला गया। अरे सीधे तो तुम लोग हो, तुम लोग को उसकी गाड़ी नहीं दिखाई दे रही है? अरे बड़े लोग लगते हैं अपने को तो फुल टू डॉट है ना कि ये डायरेक्ट कनेक्शन का मामला है बॉस, डायरेक्ट कनेक्शन। तुझे कैसे पता मुन्ना? इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है, उनकी चाल देख के ही मालूम पड़ जाता है। देखा नहीं कैसे सीधे सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस में घुस गए? अरे मुन्ना बेटा, ऐसे ही लोग घुसते जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मेरी बेटी सीमा का क्या होगा? अरे इसके 90% मार्क्स आए हैं, अगर दृष्टि ने हमें बता दिया होता तो फॉर्म हमें घर बैठे मिल गया होता। घबराइए मत आंटी, शायद इन्हें सच में प्रिंसिपल से कोई काम हो इसलिए ऑफिस चले गए। बिना किसी बहाने के अंदाजा लगाना ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर रुक जा थोड़ी देर, प्राण का अंदाज भी आ जाएगा तेरे को। प्रमाण मुन्ना। हाँ हाँ वेट वेट,
प्राण प्रमाण सब एक ही चल रहा है। वो देख आ रही तेरा प्रमाण। हाय हाय। हेलो अंकल, हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ। तुम बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? खुशी की तो बात है, मेरा एडमिशन जो हो गया है। एडमिशन हो गया? तुमने क्या फॉर्म पहले से मंगवा रखा था? रोशनी, मुझे फॉर्म लेने की क्या जरूरत, मेरे पापा प्रिंसिपल को जानते हैं, उन्होंने मेरा साइंस में डायरेक्ट एडमिशन दे दिया। कांग्रेट्स, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा साइंस में एडमिशन हो गया। तुम्हारे परसेंटेज भी बहुत अच्छे आए होंगे ना? बहुत अच्छा है, 60% आए, 60। तुम्हारे 60% है तो मेरी बेटी सीमा के 90% है। इसको तो दो बार साइंस में एडमिशन मिलनी चाहिए, क्या कहते हो? वो सब मैं नहीं जानता आंटी, मुझे तो पापा ने कहा था 60% लाओ तुम्हारा एडमिशन हो जाए। साइंस दिलाने की जिम्मेदारी मेरी। दरअसल इस कॉलेज के ट्रस्टी हमारे रिलेटिव। अच्छा, तो मामला रिश्तेदारी। अपन ने तो पहले ही बोला था ना कि गाड़ी बाहर से भले फॉरेन की लगती हो लेकिन अंदर से इसका इंजन लोकल है, लोकल। व्हाट डू यू मीन? अब नथिंग राज, वो बस तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ओके बाय। ओके थैंक यू, बाय बाय। निकल ले निकल ले। इतनी सारी चिट्ठियाँ? साहब वो तो हेड ऑफिस से है। हाँ वो ट्रेनिंग के लिए होंगी चिट्ठियाँ। अच्छा, वो सक्सेना और शर्मा को भेजा था। जी सर। और 3 कप चाय भी ले रहा है ना? जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। आप लोगों के लिए ट्रेनिंग का फरमान आ गया है, मेरे साथ साथ आप दोनों को भी ट्रेनिंग के लिए जाना है, ये लीजिए। पर सर हमें जाना कहाँ? आपको तो यही लोकल जाना है, वाशी में 1 हफ्ते के लिए। वो रिकवरी अकाउंट्स की ट्रेनिंग है। और सर मुझे? आपको पुणे जाना है 10 दिन के लिए, ई बैंकिंग की ट्रेनिंग है। और सर आपको कहाँ भेज रहा है हेड ऑफिस? भाई हम तो चेन्नई जा रहे हैं, 15 दिन का मामला है, वो रिटेल बैंकिंग की ट्रेनिंग है। सर इस समय वहाँ इतनी गर्मी होती है कि इंसान अपने सर पर रोटियां सेक ले। हाँ सर, समुद्र के कारण ह्यूमिडिटी भी काफी होती है सर, मुंबई की तरह। हाँ सो तो है, लेकिन मुंबई में रहकर ह्यूमिडिटी की तो आदत पड़ गई है। हाँ टेम्परेचर वहाँ ज्यादा होगा। लेकिन सर आप तो ज्यादातर ऑफिस में ही रहेंगे वहाँ। हाँ यही तो बचा लेगी मुझे, फील्ड में होते ना तो पता चलता। और सर चेन्नई जाना भी आपका लाभदायक रहेगा। कैसे? क्योंकि सर वहां से आप रामेश्वरम जा सकते हैं और महाबलीपुरम भी देख सकते हैं। हाँ, ये तो है भाई, रामेश्वरम जाने का तो मेरा कब से मन था लेकिन कभी संजोग ही नहीं हुआ। इस बार कोशिश करूंगा कि ये ट्रेनिंग के बाद मैं रामेश्वर जाके दर्शन कर सकूं, भले ही 2 दिन ज्यादा रुकना पड़े वहां पर। पर सर आप तिरुपति भूल रहे हैं। अरे शर्मा जी, तिरुपति जी के तो दर्शन मैं कर चुका हूँ और मैं वहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ, दर्शन करने थोड़े ही जा रहा हूँ। आप ठीक कह रहे हैं सर। कमिंग टू द पॉइंट सर, कंप्यूटरीकरण के बाद जितनी बड़ी तरक्की सर बैंकिंग क्षेत्र में हुई है,
उतनी बड़ी शायद ही किसी और क्षेत्र में हुई हो। बिल्कुल सही कहा आपने सक्सेना जी, ये ई बैंकिंग की वजह से जब चाहो तब घर बैठे बैठे पैसे जमा करो, अकाउंट से पैसे निकालो, पैसे ट्रांसफर करो, सब कुछ हो सकता है। एक क्रांति सी आ गई है बैंकिंग सेक्टर में। और ये सब कंप्यूटर के जरिए होता है, इसलिए एरर की संभावना भी कम है। बिल्कुल सर, मेरे हिसाब से इस तरक्की में बाहर के बैंकों द्वारा हमें दिए गए कंपटीशन भी जिम्मेदार है। वो लोग 8-8 बजे तक ऑपरेट करते हैं सर। हाँ वो करते होंगे, लेकिन हमारे कस्टमर्स की संख्या भी तो ज्यादा है। हमारे गुडविल और ट्रस्ट की वजह से हमारे कस्टमर्स ज्यादा है, समझे आप? यू आर राइट सर। बाय द वे हमें जाना कब? मुझे तो जून के फर्स्ट वीक में जाना है और आप दोनों को जून के सेकंड। अच्छा सर हम चलें, काफी काम है। बिल्कुल बिल्कुल चलिए काम करिए। अच्छा एक बात शर्मा जी, वो चंडोलिया के चेक का जो मामला था वो सॉल्व हुआ कि नहीं? हाँ सर, वो साइन तो उन्हीं के थे पर अमाउंट बड़ा था, इसलिए हमने कंफर्म करना उचित समझा। बिल्कुल अच्छा किया, बिल्कुल ठीक है। जय आपको। ओके सर, हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे। किरण रोशनी बेटा, तुम्हें क्या लगता है इतने कम परसेंटेज में रोशनी को किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा? हाँ आर्ट्स में आराम से मिल जाएगा, वरना साइंस और कॉमर्स में हाय तौबा मचती है। आर्ट्स में कुछ फ्यूचर भी है? हमारे वक्त तो ऐसा कुछ भी नहीं था। भाभी आपका जमाना कुछ और था, आज जमाना बदल चुका है। आज हर फील्ड की इंपॉर्टेंस है, आप हर फील्ड में अपना करियर बना सकती हैं, जैसे कि होटल मैनेजमेंट, ग्राफिक्स, ड्रेस डिजाइनिंग, यहाँ तक कि हेयर स्टाइलिंग। शर्त यह है कि आपको आपका काम अच्छी तरह से पता होना चाहिए और उसमें मास्टरी होनी चाहिए। भाभी स्पेशलाइजेशन का जमाना है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन का जमाना है, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। डार्विन्स थ्योरी भाभी, सर्वाइवल ऑफ द फिटनेस, आज भी कितनी सही है। अरे वाह लता, तूने तो पूरा व्याख्यान दे डाला। तुम्हें क्या लगता है रोशनी को किसमें स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए? भाभी स्पेशलाइजेशन करने के लिए उसके पास वक्त है, पहले उसे सब्जेक्ट्स तो चूज करने दीजिए। सब्जेक्ट्स चूज करने के बाद किसमें उसकी रुचि है उसमें वो स्पेशलाइज कर लेगी। हाँ। इंसान की ख्वाहिशें हसरतें कभी कम नहीं होती। पहले मैं चाहती थी रोशनी 10th पास कर ले, अब मैं चाहती हूँ उसे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। यही तो जीवन है भाभी, चाहते चाहते और चाहते सब ठीक हो जाएगा। रोशनी बेटा मैंने उम्मीद छोड़ दी, चलो घर वापस चलते। आंटी उम्मीद मत छोड़िए, भरोसा रखिए, इतना अंधेर भी नहीं हुआ कि एक जन को भी एडमिशन ना मिल पाए, हमारा नंबर बस आने ही वाला है। हनी तू कहती है तो कोशिश कर लेते हैं, बाकी मुझे तो रोशनी की एक किरण तक दिखाई नहीं दे रही। अरे आंटी आप क्या बोल रही हो, आपको रोशनी तो दिखाई दे रही है, वो है, वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी अभी। मुन्ना मेरा दिमाग मत खराब कर, वैसे भी मेरा नंबर आने ही वाला है। एक फॉर्म लीजिए। किसमें एडमिशन चाहिए आपको? साइंस में। अरे साइंस के लिए तो एडमिशन बंद हो चुका। बंद हो चुके? लेकिन इतनी जल्दी कैसे? वो मुझे नहीं पता, आप प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर पूछ सकते हैं। लेकिन जब एडमिशन ही बंद हो गए हैं तो वहाँ जाकर क्या होगा? तो मत जाइए, सराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। एक तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, थैंक यू बोलना तो दूर, आप उल्टा मुझसे सवाल कर रही हैं। चलिए हटिए, नेक्स्ट। सीमा मुझे लगता है तुम्हें प्रिंसिपल के ऑफिस जाना चाहिए। आंटी जी आप भी उसके साथ जाइए।
जा सीमा जा। सीमा प्रिंसिपल का ऑफिस अब बाल तो बांध ले। मैं आई कमल का गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर। नमस्ते, बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? सर मैं साइंस में एडमिशन लेना चाहती हूँ, लेकिन वो जो फॉर्म देने के लिए अंकल बैठे हैं ना, उन्होंने कहा कि साइंस के एडमिशंस बंद हो चुके हैं। लेकिन फॉर्म मिलने का तो आज पहला दिन है ना। कितने परसेंटेज मार्क्स मिले हैं? सर 90% आए हैं, 90%। फिर भी देखिए ना, इतनी देर से धूप में हम लाइन में खड़े थे। सर आप ही बताइए, 90% क्या कम होते हैं? बहुत ज्यादा भी नहीं होते। आजकल ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 90 में ही आते हैं, इसीलिए तो साइंस में एडमिशन टफ हो गया है। एक अनार 100 बीमार वाली बात। सर इसका मतलब क्या वाकई साइंस में एडमिशन बंद हो चुके हैं? यस, एडमिशन आर ओवर। ट्राई योर लक इन अनदर कॉलेज। सर ये कॉलेज मेरे घर के एकदम पास पड़ता है और काफी रेप्यूटेड भी है, और अगर मुझे साइंस लेनी है तो ट्रेवलिंग टाइम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सर आप ही कुछ रास्ता निकालिए ना, आप क्या नहीं कर सकते। सर आप इस कॉलेज के सब कुछ। आप गलत सोच रहे हैं, हमारे ऊपर भी लोग बैठे होते हैं। वैसे आपकी कोई पहचान है? आप किसी ट्रस्टी को जानती हैं? क्योंकि ट्रस्टी के पास 10 सीट होती है। सर हम ठहरे मिडिल क्लास लोग, हमें कौन पहचानेगा? सर सिर्फ हम आप ही को जानते। पूरी तरह से नहीं। मतलब? मतलब ये कि कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। साइंस में एडमिशन चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दो। एडमिशन दिला दूंगा। 5 लाख रुपए? ये रकम तो हमारे लिए बहुत बड़ी है, आप कुछ कम नहीं कर सकते? बहन जी ये ठाकुर विद्यापीठ है, कोई सब्जी मंडी नहीं जहाँ भावतोल होता हो। डॉक्टर बनना है तो इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर आर्ट्स में एडमिशन ले लीजिए। आर्ट्स में एडमिशन आओ ऊपर। मेरी बेटी को 90% मार्क्स आए। सर प्लीज आप कुछ तो कंसिडर कीजिए। मुन्ना भगवान करे उसका काम बन जाए, उसे एडमिशन मिल जाए। बहुत मेहनत की है उसने। मेहनत तो तूने भी की है लेना, तू क्या लेने वाली है? मैं तो आज से लूंगी। आज मतलब तू भी डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाली है? डेंटिंग पेंटिंग नहीं मुन्ना, ड्राइंग पेंटिंग। हाँ हाँ वही वही। मुन्ना आज का मतलब ड्राइंग पेंटिंग नहीं होता, आज से एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, बहुत कुछ बन सकते हैं। अरे अपन को किधर मालूम पड़ने वाला है, अपन किधर पढ़ेला है? अपने को तो सिर्फ एक ही चीज मालूम है, साइकिल के पीछे का करियर, समझी? करियर हाँ। लेकिन अपन के अंदर एक जज्बात जो अपन लाइफ में नहीं कर पाया, अपन तेरे को करते हुए देखना चाहते। अपन तो लाइफ में नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर तू पढ़ लेगी ना तो अपने को लगेगा कि अपन नहीं पढ़ लिया। मुन्ना तू फिर से सेंटी हो गया। देखिए मैं जानता हूँ आप मिडिल क्लास का मरीज हैं, पर मैं क्या करूँ, ना मजबूर। सॉरी मैडम। एक मिनट, अपन का फोन आ गया। अनवर भाई का। हेलो अनवर भाई,
हाँ अनवर भाई, कैसे हो? बोलो बोलो भाई। मेरे ऑटो का एक्सीडेंट हो गया, अरे आरटीओ वाला मुझे छोड़ भी नहीं रहा, मेरे लाइसेंस भी ले लिया इसने। अरे ऐसे कैसे नहीं छोड़ रहे ला है? अरे आपका लाइसेंस तो मिल जाएगा, टेंशन नॉट, फिकर नॉट, अपन उधर आके देखते हैं, ठीक है? आप उधर ही रुको। ठीक है भाई, जरूरी होगा। हाँ ठीक है, अपन उधर पहुँचता है, ठीक है? क्या हुआ मुन्ना? अरे कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, वो अपना दोस्त है ना अनवर, उसका ऑटो का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अपन जाएगा तो चलेगा ना? कोई बात नहीं मुन्ना, मैं सब संभाल लूंगी, संभाल लेगी ना। अच्छा अपन घर जाते हो, तेरे को यहाँ से पिकअप कर लेगा, ठीक है? चल बाय बाय। बहुत ज्यादा भी नहीं होते, आजकल ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 90s में ही आते। आप किसी ट्रस्टी को जानती हैं? क्योंकि ट्रस्टी के पास 10 सीट होती है। साइंस में एडमिशन चाहिए तो 5 लाख रुपए दे दो, एडमिशन दिला दूंगा। आप कीजिए तो सही, आपका काम हो जाएगा। और वैसे भी आपके काम को कभी मैंने मना किया है? एक कॉलेज ही आपका है। कितने? 50% आए, 50% आए, साइंस में एडमिशन दिलवा दूंगा और बाकी की बातें कल पार्टी में मिलेंगे तब करेंगे। नमस्ते। सर, मुझे पूछना था क्या मुझे साइंस में एडमिशन मिल सकता है? साइंस में एडमिशन आप ओवर। सर, बाहर जो फॉर्म्स दे रहे हैं उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल सर से बात कीजिए, वही कुछ करेंगे। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एडमिशन आ ओवर मींस ओवर। सर, कोई चांस नहीं है, मेरे 61% आए हैं। 61% में आपको इस कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन मिल जाए तो गनीमत समझिएगा। ट्राई योर लक इन अनदर कॉलेज। सर, क्या वाकई यहाँ पे 61% में साइंस नहीं मिलती? कौन हो तुम? प्रिंसिपल से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? सर, मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी अनुचित कहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जल्दी पूछो, मेरे पास वक्त नहीं। सर, क्या मैं 5 लाख देकर साइंस की सीट खरीद सकती हूँ? बहुत रविश बदतमीज लड़की, तुम मुझे रिश्वत देना चाहती हो? ये ठाकुर विद्यापीठ है, यहां पर रिश्वत, डोनेशन, सोर्स वगैरह नहीं चलती। चलती है तो सिर्फ योग्यता, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। चले आए वो उठा के 61% में साइंस में एडमिशन लेने के लिए। राम सिंह, राम सिंह कहां मर गया? राम सिंह सर, आपके यहां तो सिर्फ योग्यता चलती है ना? राइट। सीमा, अंदर आना।
जरा बता, क्या इन्होंने तुझे साइंस में एडमिशन देने के लिए 5 लाख रुपए नहीं मांगे थे? हाँ, इन्होंने ही कहा था कि मैं इन्हें 5 लाख रुपए दे दूं तो ये मुझे साइंस दिलवा देंगे। अब बताइए सर, क्या यही आपकी योग्यता है? क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने इस लड़की से ये सब बात की थी? है कोई प्रूफ? सर, प्रूफ है आपके कमरे में टंगी हुई ये गांधी जी की तस्वीर, जिसे आप मुखौटा बनाकर हर वो काम कर लेते हैं जिसे करने से पहले एक इज्जतदार आदमी 100 बार सोचता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। आपने गांधी जी की तस्वीर ही नहीं, उनके सिद्धांतों को भी दीवार पे टांग दिया है। स्कूल कॉलेज तो विद्या के मंदिर कहलाते हैं। आपके यहाँ भगवान के दर्शन उन्हें ही मिलते हैं जो चढ़ावा चढ़ाते हैं। अगर आपको खाने का इतना ही शौक था तो शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में आने की क्या जरूरत थी? इस देश में लूट खसोट के कितने ही धंधे हैं, आप वो कर लेते। बापू ने कहा था, जो विद्या का भूखा सो विद्यार्थी। पर यहां आकर पता चला, जो डोनेशन का भूखा सो प्रिंसिपल। आप अपनी हद पार कर रही हैं। राम सिंह, राम सिंह, हद से ज्यादा तो आप बढ़ गए हैं सर। आप जैसे लोगों की वजह से ही डिजर्विंग स्टूडेंट्स का भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उन्हें मन मारकर ऐसा क्षेत्र चुनना पड़ता है जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। आप कह रहे हैं कि 61% में आपके यहाँ साइंस में एडमिशन नहीं मिलता, तो फिर राज खोसला को एडमिशन कैसे मिलता?